हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट ऑफ 8th क्लास. द सेल्फिश जायंट. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. हर रोज दोपहर के बाद स्कूल से वापस आते हुए बच्चे एक राक्षस के बगीचे में जाकर खेलते थे. यहाँ पर किस राक्षस की बात हो रही है? द सेल्फिश जायंट, जो कि बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही स्वार्थी था. तो उसी राक्षस के बारे में ये स्टोरी है. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. वह नरम हरी घास वाला एक बड़ा ही प्यारा सा बगीचा था. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. यहाँ वहाँ घास पर सितारों की तरह चमकते हुए सुंदर फूल खड़े थे. और एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन टू डेलिकेट ब्लॉजम ऑफ पिंक एंड पर्ल. और वहाँ आड़ू के 12 पेड़ भी खड़े थे, जिन पर बसंत ऋतु में गुलाबी और मोतिया रंग के कोमल फूल फूट पड़ते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. और पतझड़ की ऋतु में ये पेड़ फलों से लद जाते थे. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. पेड़ों पर जब पक्षी बैठ जाते और वे इतने मधुर मीठी आवाज़ में जब गाते थे कि बच्चे भी उनके गीतों को, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए अपने गेम्स, अपने खेल बंद कर दिया करते थे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, दे क्राई टू ईच अदर. बच्चे एक दूसरे से कहते थे, हम यहाँ पर कितने खुश हैं. वन डे द जायंट केम बैक. तो एक दिन राक्षस वापस लौट आया. बच्चे कब खेला करते थे उस गार्डन में? जब राक्षस कहीं गया हुआ था तो उसकी एब्सेंस में बच्चे उसके गार्डन में खेला करते थे. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओगर एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर्स. वह अपने फ्रेंड कॉर्निश ओगर, ओगर मीन्स नरभक्षी, जिसे राक्षस ही बोलेंगे, कॉर्निश नरभक्षी से मिलने के लिए गया हुआ था और 7 साल तक उसके पास ही रहा. व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. जब वह वापस आया तो उसने अपने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए पाया. व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. वह बड़े ही रूखी सी आवाज़ में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. और बच्चे वहाँ से भाग गए. My own garden is my own garden, said the giant. तो राक्षस ने कहा, मेरा बगीचा केवल सिर्फ मेरा ही है. Anyone can understand that and I will allow nobody to play in it but myself. वो राक्षस ने कहा, कोई भी इस बात को समझ सकता है कि मैं अपने अलावा किसी और को इसमें खेलने की परमिशन नहीं दूंगा. So he built a high wall राउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. इसलिए उसने इसके, अपने उस बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. उस पर नोटिस बोर्ड पर लिखा कि मेरी मर्जी के अलावा, मेरी मर्जी के बिना जो भी इस बगीचे में आएगा उसे पनिश किया जाएगा, मीन्स उसे सजा मिलेगी. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट. वह बहुत ही स्वार्थी राक्षस था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. बेचारे बच्चों के पास अब खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं थी. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड. उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. पर वह सड़क पर बहुत ही धूल थी और पत्थरों से भरी हुई वो सड़क थी. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और बच्चे उस सड़क को पसंद भी नहीं करते थे. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन, दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स वेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इन साइड. जब उन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती तो वो उस बगीचे की ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते रहते और अंदर बगीचे के बारे में बातें करते रहते. हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर. हम वहाँ कितने खुश थे जब हम बगीचे में होते थे. देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लॉजम्स एंड लिटल बर्ड्स. तब
स्प्रिंग बसंत ऋतु आ गई और सारे खेतों में, पूरे देश में चारों ओर छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे पक्षी दिखाई देने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। केवल उस स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अभी भी सर्दी का ही मौसम था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। अब पक्षियों को भी उस बगीचे में आकर गाने की परवाह नहीं थी क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और पेड़ों पर भी कोई फूल नहीं खिले। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। एक बार एक सुंदर फूल ने घास से अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड को देखा तो उसे बच्चों के लिए बहुत ही अफसोस हुआ और वह दोबारा से ज़मीन में ही घुस गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट। केवल एकमात्र जो लोग खुश थे वो सिर्फ थे बर्फ़ और पाला। बर्फ स्नो एंड फ्रोस्ट मीन्स पाला। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड। वे चिल्लाए कि बसंत इस बगीचे को भूल गया है। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। इसलिए हमें ही सारा साल यहाँ पर रहना पड़ेगा। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। तब बर्फ़ ने अपनी बड़ी सी सफ़ेद चादर से घास को ढक दिया और पाले ने सभी पेड़ों पर चांदी जैसा रंग कर दिया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। और तब उन्होंने उत्तर से आने वाली हवा को भी वहीं पर अपने पास ठहरने के लिए बुला लिया। देन दे इन्वाइट तो उन्होंने उसे इन्वाइट कर दिया। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन और वह हवा भी वहाँ पर आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पोर्ट्स डाउन। वह महीन बालों से बने लिबास में लिपटी हुई थी और वह बाग में सारा दिन गरजती रही और उसने चिमनियों के ढक्कनों को नीचे गिरा दिया। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड। उसने कहा यह तो बड़ा ही डिलाइटफुल, बड़ा ही आनंद, खुशी देने वाली जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। हम तो ओलो को भी यहाँ पर आने के लिए कहेंगे। सो द हेल केम तो अब ओले भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। तो अब ओले भी आ गए तो हर रोज़ 3 घंटे तक किले की छत पर आवाज़ करते थे वो ओले, और उन्होंने छत की बहुत सी स्लेटों को, यहाँ स्लेट्स क्या हैं टाइल्स, स्लेटों को भी तोड़ दिया और बड़ी तेज स्पीड से वो बगीचे में घूमते थे। ये ओले ग्रे भूरे से रंग के थे और इनके साथ चलने वाली जो हवा थी वो भी बर्फ़ की तरह ठंडी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। तो सेड द सेल्फिश जायंट, उस स्वार्थी राक्षस ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि बसंत ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी है। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। जब वह खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर अपने ठंडे और सफ़ेद बगीचे को, अपने उस गार्डन को देख रहा था। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन वेदर। मैं आशा करता हूँ कि मौसम में परिवर्तन, चेंज ज़रूर होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। पर ना कभी बसंत और ना कभी गर्मी
की ऋतु वहाँ पर आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, पतझड़ में हर बगीचे में गोल्डन सुनहरी फल लगने लगे। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन राक्षस के बगीचे में कोई भी फल फूल नहीं आया। ही इज टू सेल्फिश शी सेड, उसने कहा यह बहुत ही स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो इसलिए यहाँ पर उसके बगीचे में हमेशा ही सर्दी की ऋतु रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, इसलिए वहाँ पर हमेशा सर्दी रहेगी और उत्तरी हवा, ओले, पाला और बर्फ ये पेड़ों के बीच में डांस करते ही रहेंगे। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तो एक दिन सुबह जब राक्षस अपने बिस्तर पर जागा हुआ लेटा हुआ था तब उसे बहुत ही मीठा म्यूजिक सुनाई दिया। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, तो वह म्यूजिक वो संगीत उसके कानों को इतना मीठा लगा कि उसने सोचा कि राजा का कोई संगीतकार वहाँ से गुजर रहा होगा। इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन सच में वह एक छोटा सा लिनेट बर्ड था जो कि उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसे अपने बगीचे में पक्षी को सुने हुए, किसी बर्ड के गीत को सुने हुए बहुत लंबा टाइम हो गया था, तो उसे यह म्यूज़िक दुनिया का सबसे सुंदर सबसे मीठा म्यूज़िक लगा। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, तब ओलों ने उसके सिर के ऊपर डांस करना नाचना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो उत्तरी पवन थी उसने भी गर्जना बंद कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और तब खुली खिड़की में से बड़ी ही डिलीशियस बड़ी ही स्वादिष्ट एक सुगंध उसके पास आई, एक फ्रेग्रेंस बहुत ही सुंदर खुशबू उसके पास आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जायंट, तो राक्षस ने कहा मैं मानता हूँ कि शायद बसंत ऋतु आ गई है। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वह अपने बिस्तर से कूदकर बाहर निकला और उसने बाहर देखा।